हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर से उठाया गया है और ये डबल कॉमा को देख करके आपको ये अनुमान हो गया होगा कि ये एक प्रकार का स्ट्रिंग है, जो कि मैंने यहाँ कमेंट किया हुआ है, ये कमेंट पर लिखा भी हुआ है कि ये क्या है, एक प्रकार का स्ट्रिंग है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को पार्टीशन करवाते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया गया पार्टीशन और यहाँ पे ये गैप से इसे पार्टीशन करवाया गया है, तो रिजल्ट जानते हैं क्या आएगा। ए को अगर प्रिंट करवाते हैं, ए को प्रिंट करवा, क्योंकि बाद में जाकर के ये सारी चीजें ए में स्टोर हो जा रही हैं, ठीक है। तो ए को अगर प्रिंट करवाएंगे तो ये इस तरीके से अमृत फिर ये महोत्सव एट द रेट 75 ये एक में करके देगा। डबल डॉट कॉमा लगाया गया है तो यहाँ पे सिंगल डॉट कॉमा से सेपरेट करते हुए ये आंसर देगा हमें। तो एक बार इसको चलाएंगे और चेक करेंगे, तो यहाँ पर इसे मैं रन करता हूँ और एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारा आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि ये अमृत जो है अलग आ रहा है सिंगल डॉट कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। डबल डॉट कॉमा दिया गया है तो यहाँ पे गैप भी प्रिंट कर रहा है। यहाँ देखिए डबल डॉट कॉमा में गैप दिया गया है, ये देख रहे हैं, ये पार्टीशन किससे होना है, गैप से होना है। तो यहाँ पे गैप प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं ये गैप प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पे महोत्सव दिया गया तो महोत्सव प्रिंट हो रहा है और एट द रेट 75 ये एक में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा, ये समझ रहे बात को।